दिस इज योर डेमचॉक, ये पाक चाइना बोलता है मेरा है इंडिया के अंडर में डेमचॉक, क्लियर। ये इस तरीके से, फिर यहां पर एक्चुअल जो कश्मीर है यहां, क्लियर। एंड देन आप जो सुनते हैं फिर बारामूला श्रीनगर, तो बारामूला यहां से अटैक होता है, आप जब देखते हो फ्रॉम दिस साइड इट इज अटैकिंग एंड फ्रॉम दिस साइड, यहां पे जोजिला पास है, फ्रॉम द गिलगिट साइड इट इज एंट्रिंग, अंडरस्टूड। और ये है बुरजिला, यहां पे बुरजिला पास, फिर बारामूला श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, उधमपुर, उसके बाद कुपवाड़ा। अगेन आप कुपवाड़ा का बार बार नाम सुनोगे, इन्फिल्ट्रेशन एरिया। देन आई सेड दैट बदगाम अंदर चला गया, पुंछ रजौरी, पंच मारता है राजा, पुंछ में आप बार बार सुनोगे, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में बार बार सुनोगे। देन आई सेड दैट आर फॉर रजौरी, आर फॉर रियासी, जम्मू, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, एंड देर इज एन कारगिल, और यहां पे लड़ाई हुआ था, और यहां पे द्रास एंड सुरू रिवर, इफ रिमेम्बर, एंड ये आपका ले लगता। और यहां से नेशनल हाईवे वन, तो बहुत सारी चीजें कराता हूं, तो वो चीज मैं पहले रीजंस को याद कराता हूं कि कैसे, और आपको पता है मैं कोई ना कोई इलॉजिक, और उसकी स्टोरी बताता हूं क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं अभी जहां बता रहा हूं मुझे वहां रहने दो, ठीक। K2 इज नोन एज व्हाट, गॉडविन, ऑस्टिन और कृष्णागिरी। देन आई सेड दैट दिस इज गाशेब्रम, माशेब्रम। अच्छा ये मुझे बताओ, वहां पर घास मिलेगा K2 पे? तो घास नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, क्या खाऊंगा? मांस खाऊंगा। क्या खाऊंगा? कुछ जानवर मिल जाएंगे, मांस उसका खा लूंगा। गासे ब्रह्म, यस आई सेड दैट, K2 माउंटेन, गासे ब्रह्म, माशे ब्रह्म, K2 माउंटेन, गासे ब्रह्म, माशे ब्रह्म। और उसमें आई सेड दैट गासे ब्रह्म, माशे ब्रह्म, और उसमें क्या लगाऊंगा, ये आपको एक ये लतीक बनाना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट पिक दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर मैप, आई सेड नूनकुन, उसमें नून लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? थोड़ा सा मांस में नून लगाऊंगा तभी तो टेस्ट बनेगा। नमक, नमक समक, नमक समक, आई सेड दैट नूनकुन। ये कौन सा पिक है? नूनकुन पिक। सो विच आर द पिक्स वी हैव सीन? कापिरी दीवा, राका पोशी, कांपेरी दीवार, राका पोशी, दस्तगिल सार, खारमोश, एंड देन नंगा पर्वत। देन आई सेड K2, गाशे ब्रह्म, माशे ब्रह्म, नूनकुन। नाउ लेट अस गो एंड सी इन द हिमाचल प्रदेश सिक्स। अच्छा ये नामचा बरवा पिक, यू रिमेम्बर दैट, अरुणाचल प्रदेश से, यस। लेट्स गो इन टू हिमाचल प्रदेश, एंड हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं वी विल सी सिक्स पिक्स। ये छोटा छोटा जो बना हुआ है इसका मतलब ये मत समझना छोटा छोटा है, जगह नहीं था, ठीक है। आई डू नॉट हैव द स्पेस टू शो इट, देयरफॉर इट इज अ स्मॉलर, सो डू नॉट मेक एन अ पिक्चर इन योर माइंड दैट दिस पिक्स आर स्मॉलर। बांदेरपूंछ याद होगा आप लोगों को, मैंने रिवर्स बताते समय बोला था बांदेरपूंछ के इस साइड क्या है, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है बांदेर के उधर, यमुनोत्री। सो बांदेरपूंछ पिक, एंड फेमस 2013 में नाम सुना होगा बद्रीनाथ। सो बांदेरपूंछ के ईस्ट में गंगोत्री है, बांदेरपूंछ के वेस्ट में क्या है? यमुनोत्री। सो बांदेरपूंछ पिक यू हैव सीन, देयर आफ्टर वी आर वॉचिंग आई सेड दैट बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पिक, विच पिक आई सेड दैट, एंड उसके बाद तीन लगातार देखेंगे, कामे, दूनागिरी, त्रिशूल। विच आर द पिक आई सेड? कामे, दूनागिरी, त्रिशूल। विच आर द पिक्स आई सेड? कामे, दूनागिरी, त्रिशूल। याद हो गया? कामे,
दूनागिरी, त्रिशूर. विच आर द पिक्स आई से? कामेक, नहीं, विच आर द पिक्स? पांडेरपुंज, बद्रीनाथ, कामेक, दूनागिरी, त्रिशूर. तो मैंने बोला जैसे यू नो दैट चाइना, हु इज द डॉन एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? एशिया का डॉन क्या है? वर्ल्ड का भी बन रहा है, धमका रहा है सबको. साउथ चाइना सी में लास्ट ईयर प्रॉब्लम किया, यूएसए तुरंत आ गया इंडिया के साथ. तो सबसे ज्यादा आज के डेट में वैसे बहुत पावरफुल है. जब आप मेरे साथ मीन्स का वर्ल्ड का करेंगे ना, चाइना जब कराता हो ना, उस समय आपको समझ जाएगा कि कितना पावरफुल है, कितने उसके पास मिनरल रिजर्व्स हैं और कितना अमाउंट है. और आपको एक चीज बता दूं, ही हैज द पोटेंशियल ऑफ 15% एचपी ऑफ द वर्ल्ड. समझ में? यदि वर्ल्ड 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो चाइना केवल 15 मेगावाट चाइना का होगा. ठीक है? तो और सबसे बड़ा डॉम वहां डैम उसी के पास है वर्ल्ड का, एंड दैट इज आई सेड द थ्री गॉज डैम. और कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता होगा? मैं इंडिया का फिगर बता देता हूं. इंडिया इज टोटल प्रोड्यूसिंग 3 लाख मेगावाट. उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? थर्मल पावर प्लांट. इलेक्ट्रिसिटी का लगभग आप 1 लाख 80,000 के आसपास, 80-90,000 एचपी के थ्रू. और ये प्रोड्यूस करता है केवल एक डैम 22,000 मेगावाट. क्लियर? वन डैम इज प्रोड्यूसिंग 22,000 मेगावाट, द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड. सेकेंड इज इन ब्राजील, इटाइपू डैम, 14,000 मेगावाट. सो आई सेड दैट, हमने क्या बोला? तो जब उसके यहां पे फंक्शन होता है, एनुअल डे समथिंग कुछ भी होगा ना, तो वो सारी वो सारे क्लाइमेट को भी रोक देता है. रेनफॉल वगैरह नहीं हो सकता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैन नॉट टेक प्लेस. और जब उसको बारिश कराना पड़ेगा तो क्लाउड भी. तो आने वाला समय क्लाउड से भी लड़ाई होगा. क्लाउड बनाया स्नोफॉल टाइप का, सेंट टुवर्ड्स इंडिया, एंड देन आइस क्रिस्टल स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. तो वॉर कैन बी क्लाइमेट वाइज ऑल्सो. तो आप खुद रेनफॉल कराने के लिए आप अपना क्रिएट कर सकते हो. तो हमने बोला अब, और इंडिया में क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादल. एंड इट इज नोन एज बद्री ऑल्सो, बद्रीनाथ पिक. व्हाट आई सेड दैट? तो बद्री काम कर रहा है किसका? डॉन का. बद्री काम किसका कर रहा है? डॉन का. बद्रीनाथ कामेत दूनागिरी. और कैसे गिर रहा है? त्रिशूल की तरह. कैसे गिर रहा है? नीचे. और आपके ऊपर यदि आधा किलो का आइस गिर गया तो आप बचोगे? उसकी स्पीड भी तो होगी, ऊपर चले गए. छोटा सा जब गिरता है और लगता है तो आई सेड दैट. और एक बार आई सेड दैट हाफ केजी का आइस चाइना में गिरा था. तो दिस काइंड ऑफ, सो आई सेड दैट बद्री काम करता है डॉन का. यस, त्रिशूल गिराता है. अंडरस्टूड? सो बद्रीनाथ कामेत दूनागिरी त्रिशूल. कैन यू रिमेंबर? बद्रीनाथ कामेत दूनागिरी त्रिशूल. अंडरस्टूड इट? और त्रिशूल हमारे यहां किसके पास है? नंदा देवी के पास. हरे भगवान के पास ही त्रिशूल है. यहां पे मुझे नंदा देवी याद कराना है तो सभी के पास है. जितने भगवान है ना, खड़ा कर देते हैं उनके पे तलवार और 4-5-6 हाथ है उनके पास, कोई ना कोई. चलो कोई बात नहीं, जिसके पास भी हो. सो आई सेड, हमने क्या बोला? विच आर द पिक्स इन द हिमाचल प्रदेश? बांदेलपुंज, बांदेलपुंज, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी. नंदा देवी इज अ बायोस्फेरिक रिजर्व ऑल्सो. क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस इन द नेपाल. एंड यू नो दैट इट इज अ हायर पिक्स आर देयर, मस्ट बी राइट. And which I said that Mount Everest. पहले ध्यान से देखेंगे. और यहां पे एक ऐड भी करना होगा आपको, 2-3 ऐड करने होंगे.
माउंट एवरेस्ट, एबल टू लोकेट? एवरेस्ट पे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ठंड से बचने के लिए लोग आलू खाते हैं और मांस भी खाते हैं. आई सेड दैट मकालू मनसालू. मकालू तो माउंट एवरेस्ट में मां ने आलू दिया और फिर मां ने मांस भी दिया, इधर और कैसे देंगे? यहां पे मिलेगा नहीं, कहीं पे भी कोई क्रॉस कर रहा होगा उनसे चोरी करके देंगे, चोयू. सो यहां पर एक है, क्या है? चोयू, सी एच ओ वाई यू, चोयू. इसके लिए पिक बना लेंगे. आई सेड दैट माउंट एवरेस्ट मकालू मनसालू चोयू. माउंट एवरेस्ट मकालू मनसालू चोयू पिक. अंडरस्टूड? सी एच ओ वाई यू, चोयू. क्लियर? और जब मां इतनी मेहनत कर रही है तो सच में वो क्या है? अन्न देने वाली. रियली में मां खुद भूखी रह सकती है, बेटी अपने बच्चों को अन्न जरूर देंगे. देंगे कि नहीं? यस. और बच्चे के सिलेक्शन पे ढोल भी बजाती है. धौलागिरी अन्नपूर्णा, मां क्या है हमारे लिए? ढोल भी बजाती है खुश होकर और अन्नपूर्णा. क्योंकि आज भी आप सबसे ज्यादा इमेजिन करते हो, यदि मैं जाऊं तो मेरी मदर मेरे लिए ये बनाएंगी वो बनाएंगी, और लाइफ में शादी के बाद वही याद रखते रहोगे कि मां वो खिलाती थी. ठीक है, तो अन्न भी मां का ही याद रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. एवरीवन रिमेंबर्स. आई सेड हमने क्या बोला? माउंट एवरेस्ट. मां यहां पे भी मां वर्ड दिख रहा. एंड देन आई सेड दैट मकालू, मां आलू खिला रही है, मां मांस भी दे रही है, मसालू. एंड देन आई सेड दैट चोरी करके चोयू. धौलागिरी, और आपके लिए जब आप कुछ बन जाते हो तो आपके लिए क्या देती है? ढोल बजाती है और आपको अन्न भी देती है. यस एंड नॉट? धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा. कैन यू रिमेम्बर? सो विच आर द पिक्स वी हैव सीन इन द हिमालयस? फर्स्ट आई सेड दैट कांपेरी दीवार, कांपेरी दीवार राकापोशी, कांपेरी दीवार राकापोशी, दस्तगिल सार एंड देन हारमोश. यस, कांपेरी दीवार, काम किया राक्षस की तरह, राकापोशी दस्त लग गया, दस्तगिल सार बोलते हो खामोश हारमोश. देन आई सेड दैट नंगा पर्वत. अंडरस्टूड? आपको याद होगा नंगा पर्वत नामचा पर्वत. देन आई सेड केटू माउंटेन, गॉडविन ऑस्टिन और कृष्णागिरी. देन वहां पे घास नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? मांस, गाशेब्रम माशेब्रम. एंड देन क्या डालोगे उसमें मांस में? नून, नून को. कैन यू रिमेम्बर? देन हिमाचल प्रदेश वी हैव सीन बांदेपुछ पिक. देन आई सेड बद्रीनाथ कामेत दूनागिरी, बद्रीनाथ कामेत, बद्रीनाथ कामेत दूनागिरी त्रिशूल. एंड देन नंदा देवी. Then in the Nepal, we have seen like what? Mount Everest, Makalu, Mansalu, Choyu. Then we have seen Dholagiri and Annapurna. Dhyan mein rakhenge, I said that Dholadhar. Kahan pe hai? Wo mountain range hai, Middle Himalayas ka. This is a Dholagiri. Giri area. Understood it? So yahan pe Kampiri Duwar, राकापोशी, दस्तगिल सार, हारमोश, नंगा पर्वत. एंड यहाँ पे माउंट केटू, गासेब्रम, दस्तगिल सार नहीं है, नुनकुन है. माउंट केटू, गासेब्रम, माशेब्रम एंड देन नुनकुन, बद्रीनाथ, बांदेपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी एंड नामचा पर्वत पिक. देन वी हैव सीन माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, चोयू, धौलागिरी एंड देन अन्नपूर्णा. एंड देन सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा. अंडरस्टूड? सेकेंड हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड. सिक्किम में कौन सा है पिक? कंचनजंगा. अंडरस्टूड? क्लियर? झारखंड में हम लोग क्या देख रहे हैं? जहां पे राजमहल हिल से, वहां पे क्या देख रहे हैं? त्रिकुट पर्वत.
जहाँ पे राजमहल हिल्स है एंड पारसनाथ हिल्स याद है आपको, पारसनाथ हिल्स पे पारसनाथ पीक, जैनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लॉर्ड महावीर। सो आई सेड दैट यहाँ पे जितनी सारी लेन है यहाँ पे रुकती रुकती है, इफ इट इज है छोटा सा स्टेशन। सो आई सेड दैट मैं बचपन में सोचता था कि इतना छोटे स्टेशन पे व्हाई दिस ट्रेन इज स्टॉपिंग, तो दिमाग में बाद में आस पास का लोकेशन इट लुक्स गुड। सो आई सेड दैट कौन सा मैंने बोला, त्रिकुट पर्वत एंड पारसनाथ पीक, कैन यू रिमेम्बर। नाउ उड़ीसा नीलागिरी, विच वन आई सेड दैट, नीलागिरी मलयागिरी नीमगिरी, विच आर द पिक्स आई सेड, नीलगिरी नहीं है, ध्यान में रखना नीलगिरी हिल्स तो इधर है ना, वहां पे मैंने बोला नीलागिरी, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। इसकी हाइट केवल 547 मीटर है, चला सो नीलागिरी मलयागिरी इसकी हाइट अच्छी खासी है 1200, नीलागिरी मलयागिरी नीमगिरी इसकी हाइट 1500 समथिंग। सो नीलागिरी मलयागिरी नीमगिरी, नीलागिरी मलयागिरी नीमगिरी, याद हो गया। आप खाना खाते हो तो जैसा खाते हो वैसा ही सुबह निकलता है रंग, यदि आप साग खाओगे तो कुछ और निकलेगा। तो आई सेड दैट आयरन